वेलकम यू ऑल इन द बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस. इन लास्ट वीडियो वी रीड अबाउट ए सिंपल प्रोग्राम इन पाइथन एंड ए सम ऑफ टू नंबर इन पाइथन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मोर प्रोग्राम्स. इन फर्स्ट क्लिक ऑन अ फाइल मेन्यू एंड अगेन क्लिक ऑन न्यू फाइल. देखिए जैसे अपन न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं देन ये अपना क्या होगा, स्क्रिप्ट मोड होगा. स्क्रिप्ट मोड क्या कहता है कि आप मोर देन वन लाइन ऑफ कोड को सेव कर सकते हैं और उनको रन कर सकते हैं. इधर आप देख पा रहे हैं राइट साइड के अंदर राइट लोअर राइट कॉर्नर पे, तो ये जो आपका इंटरफेस दिख रहा है ये किसका, आपका इंटरेक्टिव मोड का. इंटरेक्टिव मोड क्या कहता है कि ओनली वन लाइन ऑफ कोड है उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ये सेव नहीं होता. सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम. अब जैसे मैं इंटर करूँगा इसको, ये प्रिंट एक फंक्शन है जो क्या करता है, आउटपुट देने का काम करता है. जो भी अपन को लिखना है वो किस में लिखना है, लोअर केस में लिखना है. और यहाँ पे मैंने वेलकम एक मैसेज प्रिंट करा है, तो जो आप मैसेज प्रिंट करते हैं तो उसको अपन किस में लिखते हैं, डबल कोटेशन में लिखते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है. तो देखिए प्रिंट स्टेटमेंट जो है, ये अपन कह सकते हैं ये जो प्रिंट फंक्शन है ये क्या करता है, आउटपुट देने का काम करता है. और इसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट होता है, चाहे वो आपके मैसेज टाइप का हो या फिर अपन इसको बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, और इसको हमेशा अपन किस में लिखते हैं, डबल या सिंगल कोटेशन में लिखते हैं. तो इसको मैं जैसे इंटर करता हूँ तो देखिए इसका आउटपुट यहाँ पे आ जाता है वेलकम. इट मीन्स प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, जो आपने स्ट्रिंग इसके अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट दिया उसको इसने प्रिंट कर दिया है. तो ये तो अपना क्या, इंटरेक्टिव मोड. और इधर जो अपन काम करेंगे वो किस पर करेंगे, स्क्रिप्ट मोड पे करेंगे, या फिर अपन कह सकते हैं कि मोर देन वन लाइन ऑफ कोड को यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं. देखिए आज अपन बात करेंगे वो करेंगे कि अपन ने प्रिंट फंक्शन का यूज किया है जो क्या करता है, आउटपुट देने का काम करता है. साथ ही साथ आज अपन बात करेंगे इनपुट फंक्शन का यूज. इनपुट फंक्शन किस लिए काम में आएगा, अपने इनपुट करने के लिए. तो देखिए कैसे करते हैं. सबसे पहले मैंने लिखा प्रिंट, ये ओनली एक मैसेज मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, हाउ टू इनपुट वैल्यू इन वेरिएबल. ये मैंने यहां पे एक मैसेज दिया है जिस जो आपके आउटपुट में आएगा कि हाउ टू इनपुट ए वैल्यू इन वेरिएबल. अब देखिए मैं अलग अलग तरीके से आपको वैल्यू इंसर्ट करके बताता हूं. तो जैसे मैंने यहां पे लिखा नेम इज इक्वल टू, मैंने यहां पे लिखा अभिषेक. ये क्या हो गया कि जो नेम यहां पे क्या है, एक वेरिएबल, एक कंटेनर है जो क्या कंटेन करता है, वैल्यू. और वैल्यू यहां पे क्या है, अल्फाबेटिकल वैल्यू है जो क्या एक स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग मींस कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. तो इसने किसको इनपुट किया है, अभिषेक. तो एक तो अपना ये तरीका है कि जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तब आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू इंसर्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि एक और तरीका अपना ये है जिसे अपन बोलते हैं रन टाइम. रन टाइम पे वैल्यू इंसर्ट करने के लिए अपन यहाँ पे एक मैथड यूज करते हैं, एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, इनपुट. तो देखिए कैसे अपन करते हैं. सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा सिटी, या पहले एक मैसेज मैं यहां पे प्रिंट कर देता हूं, इंटर योर सिटी. तो देखिए ये क्या होगा, ये तक मैसेज आपका प्रिंट होगा इंटर योर सिटी. और जैसे आप सिटी इंसर्ट करोगे तो वो किस वेरिएबल में जाना चाहिए, किस कंटेनर में जाना चाहिए, इसके लिए अपन सिंटेक्स क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कोई भी वेरिएबल बना लेते हैं अपन. सपोज दैट मैंने यहां पर सिटी बनाया है और यहां पर मैंने यहां पर लिखा इनपुट, ठीक है, और इतना मैंने यहां पे लिखा. अब क्या होगा, जो इनपुट फंक्शन है, जो भी आप इनपुट करोगे रन टाइम के ऊपर, वो उसको किस में डाल देगा, सिटी में डाल देगा. नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, दोनों को प्रिंट कर रहे हैं. नेम इज इक्वल टू अभिषेक आना चाहिए और सिटी इज इक्वल टू जो भी आप इनपुट करें रन टाइम पे वो आना चाहिए. मैंने यहां पर लिखा प्रिंट और यहां पर मैंने लिखा, सबसे पहले मैं एक मैसेज देता हूं कि योर नेम इज एक मैसेज हो गया, इसको मैं डबल कोटेशन में क्लोज कर देता हूं. नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, यहां पे सेपरेटर अपन क्या यूज करते हैं, कोमा. ठीक है, कोमा अपन यूज कर रहे हैं
तो सबसे पहले मैं वेरिएबल नेम लिख देता हूँ नेम। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक और मैसेज देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा योवर सिटी और देन मैंने यहाँ पे लिखा, इसको डबल कोटेशन को क्लोज कर दिया, अगेन मैंने कोमा का यूज किया और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ सिटी वेरिएबल लिख रहा हूँ। तो देखिए आउटपुट में क्या आएगा, सबसे पहले एक मैसेज आएगा योर नेम इज, उसके बाद में नेम जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू क्या है अभिषेक, तो अभिषेक प्रिंट करेगा। नेक्स्ट अगेन आपका एक मैसेज आएगा योर सिटीज और देन आपके बाद में जो सिटी के अंदर जो वैल्यू आप इंसर्ट कराओगे वो आपके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये अपन ने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया, इसको अब अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए इस प्रोग्राम में कोई भी एरर होती तो यहाँ पर आगे एरर का सिंबल है जो एक ट्राइंगल आता है वो शो होता, इसमें कोई एरर नहीं है। इस प्रोग्राम को अपन क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको सेव किया, जैसे कि अपन स्क्रिप्ट मोड में करते हैं। स्क्रिप्ट मोड में अपन क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं, अपन कहते हैं कि मोर देन वन लाइन ऑफ कोड को अपन सेव करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट डॉट पी वाई, डॉट पी वाई अपना क्या होगा एक्सटेंशन होगा, एंड मैंने इसको सेव किया। अब इसको अपन क्या करते हैं, रन करते हैं। तो देखिए रन करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले एक मैसेज आएगा हाउ टू इनपुट वैल्यू इन वेरिएबल, कैसे अपन वैल्यू वेरिएबल में इनपुट करते हैं, एक मैसेज आएगा। उसके बाद में क्या होगा, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इट मीन्स कि नेम एक वेरिएबल होगा, उसके अंदर क्या वैल्यू जाएगी अभिषेक जाएगी। उसके बाद में अगेन आपके सामने एक मैसेज आएगा, क्या आएगा इंटर योर सिटी। ये एक मैसेज आने के बाद जो भी आप सिटी इंसर्ट कराते हो तो इनपुट जो मेथड है वो क्या करेगा, उस वैल्यू को किसके अंदर डाल देगा, सिटी वेरिएबल में डाल देगा। और फिर क्या होगा कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये दोनों को प्रिंट करेगा। तो देखिए इसको अपन रन करते हैं, तो रन करने के लिए रन पे जाते हो और यहाँ पे रन आपके सामने देख पा रहे हैं आप, ये आपका क्या है इधर इंटरेक्टिव मोड है, इसके अंदर आपका आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले आउटपुट आ रहा है हाउ टू इनपुट वैल्यू इन वेरिएबल, जो कि मैसेज है अपना, ये मैसेज आ गया। उसके बाद में क्या हुआ कि नेम एक वेरिएबल बना मेमोरी के अंदर, जिसके अंदर क्या चला गया अभिषेक चला गया। उसके बाद में क्या हो रहा है कि एक और प्रिंट स्टेटमेंट है इंटर योर सिटी, तो ये आपके यहाँ पे शो हो रहा है इंटर योर सिटी। उसके बाद में क्या होगा कि जैसे आप सिटी इंसर्ट करेंगे तो वो किसके अंदर चला जाएगा, सिटी वेरिएबल में चला जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ सिटी, मैंने यहाँ पे दिया सीकर। जब आप रन टाइम में इंसर्ट कर रहे हैं इट मीन्स आपका प्रोग्राम रन हो चुका है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, जब ड्यूरिंग द रन द प्रोग्राम जब आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आपको डबल कोटेशन देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जैसे मैं इंटर करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका होगा, उसके बाद में क्या होगा प्रिंट होगा। तो मैं इंटर करता हूँ तो देखिए आपके सामने जो आउटपुट आ रहा है इट मीन्स जैसे आपने इनपुट किया तो सिटी वेरिएबल के अंदर आपका जो वैल्यू आपने इंसर्ट की सीकर वो चली गई। नेक्स्ट क्या होगा, आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले मैसेज आया योर नेम इज, जो यहाँ पर आपको मिल रहा है योर नेम इज। उसके बाद में नेम वेरिएबल, ये क्या एक वेरिएबल है, कंटेनर है जिसके अंदर वैल्यू क्या है अभिषेक, तो वो आपके आउटपुट में आ रही है अभिषेक। उसके बाद में आपका एक और मैसेज प्रिंट हो रहा है योर सिटी, तो योर सिटी आपका एज ए मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया। और नेक्स्ट क्या है सिटी वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या है, आपने इंसर्ट किया था सीकर, तो वो आपका यहाँ पर प्रिंट हो रहा है सीकर। तो ये देखिए कैसे अपन इनपुट करते हैं वैल्यू को कंपाइल टाइम पे और कैसे अपन रन टाइम पे वैल्यू इनपुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तो अपना क्या हो जाता है कंपाइल टाइम, ठीक है, मैं इस यहाँ पे एज ए कमेंट लिख देता हूँ, ये क्या हो गया कंपाइल टाइम। और नेक्स्ट आपका ये जो आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा रन टाइम, मैं इसको लिख देता हूँ रन टाइम। इट मीन्स कंपाइल टाइम का मतलब ये हो गया कि जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तब आपकी वैल्यू इंसर्ट आपने करनी है, और रन टाइम का मतलब ये हो गया कि आप इनपुट मेथड का इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं और देन आप क्या करते हैं वैल्यू इंसर्ट करते हैं जब आप प्रोग्राम रन कर चुके होते हैं। तो ये अपना एक सिंपल सा प्रोग्राम कि कैसे अपन वैल्यू इंसर्ट करते हैं और कैसे आउटपुट लेते हैं। थैंक यू।